हाय इन्वेस्टर्स एंड लर्नर, इस वीडियो में हम बात करने वाले शीला फॉर्म कंपनी के बारे में, जो कि बेसिकली आजकल इस कंपनी के अंदर में वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में टर्न अराउंड हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। सो ये सारे के सारे पॉइंट जहाँ पे हम कंपनी के ब्रीफ को समझेंगे, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो हम कंसिडर करेंगे, कंपनी की थीसिस पॉइंटर्स क्या है, एंटी थीसिस क्या है इस कंपनी में, कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आएंगे क्या इस कंपनी सही में टर्न अराउंड प्ले करने वाला है कि नहीं। शीला फॉर्म आपका 1971 में कंपनी स्टैब्लिश हुआ, जहाँ की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलीयुरेथेन फोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर में, जहाँ पे वेरियस फोम बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे जो होम कंफर्ट प्रोडक्ट लाइक आपका मैट्रेसेस हो गया, फर्नीचर कुशंस हो गया, एज वेल एज टेक्निकल ग्रेड, जहाँ पे यूसेज आपका ऑटोमोबाइल से लेकर ऑटोमोबाइल्स हो गया, इकोस्टिक हो गया, एक्सेट्रा इंडस्ट्री के अंदर में होता है। इनके कुछ फ्लैगशिप ब्रांड्स इंक्लूड है, जहाँ पे स्लीप वेल फॉर मैट्रेस एंड होम कंफर्ट में आता है, फेदर फोम हो गया, प्योर पीयू फोम एंड लेमीफ्लेक्स पॉलिस्टर फोम ऑफ फॉर लेमिनेशन के लिए जो की यूज करता है। कंपनी के पास अराउंड 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 5 इन ऑस्ट्रेलिया, 1 इन स्पेन है, जो कि मैं आगे बताऊंगा, उसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कंपनी का जो प्रेजेंट कैपेसिटी है 1,23,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से कंपनी कैपेसिटी है। अब इस कंपनी में जो हमने इसको कंसिडर किया स्टडी करने के लिए, जस्ट बिकॉज कंपनी ने अपने कंपटीटर को एक्वायर कर लिया है। सो मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनी 95% स्टेक आपका कर्ल ऑन एंटरप्राइज, जो कि एक अनदर ब्रांड है आपका, जो कि वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, उसको एक्वायर कर लिया 95%, मतलब ऑलमोस्ट वो कंपनी पूरी ले ली है, ठीक है। और 35% आपका स्टेक ऑनलाइन फर्नीचर फर्म कंपनी जो कि फरलेन को उसमें एक्वायर किया है। अब इससे क्या फायदा होगा वो सब देखेंगे। तो ये इसके वजह से एक पॉइंटर्स मिल रहे कि इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए, राइट। अचानक से आप अपने कंप्यूटर एक्वायर करते हो, एक तरह से मोनोपोली, एक तरह से कमांड करने की कोशिश करते हो। सेकंड, रिसेंटली ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है या बिजनेस की हम बात करें, लास्ट आई थिंक 1.5 से 2 साल से काफी ज्यादा इंपैक्टेड है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन फॉलिंग द रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड ड्यू टू विच टॉप लाइन इम्पैक्टेड। तो ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था कि कंपनी का अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर नीचे जा रहा है, सो हाउ इट इज इम्पैक्टिंग कंपनी का ओवरऑल टॉप लाइन, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नीचे जा रहा है तो सस्ते मिल रहे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पे डी स्टॉकिंग हुआ है, जहाँ पे कंपनी एक TDI, जहाँ पे आपका टोल्यूम डाइसोसाइनाइट हो गया, और दूसरा आपका पॉलियोल जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूट 60-65%, वो ये कंपनी यूज करके पॉलीयुरेथेन फोम और जो भी इसके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। एक टाइम पे उसके प्राइसेस 248 के आसपास थे, तो कंपनी ने सपोज उस प्राइसेस पे लेकर के रखे थे। बाद में क्या हुआ कि कंपनी जब बाहर बेचने जा रही है, तो ऑलरेडी जो प्राइसेस धीरे धीरे 1 साल से वो 248 से अराउंड 191 रुपीज पर केजी पे आ गया है। सो डेफिनेटली जो बाहर में लोग उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो कि ऑलरेडी आप हाइयर प्राइस पे बेचने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं बिका इस टाइम पे, एंड दिस इज द केस ड्यू टू विच कंपनी सफरिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ठीक है। इन्होंने एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च किया तरंग करके, जो कि फोकस कर रहे कि रूरल और लोअर एंड आपका सेमी अर्बन मार्केट पे फोकस करेंगे, वहां पे ये पेनिट्रेशन देख रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। सो कंपनी के पास ओवरऑल अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल स्लैब पॉलीयुरेथेन फोम के अंदर मैट्रेस में 12-13% के आसपास मार्केट शेयर था बिफोर एक्विजिशन ऑफ आपका कर लॉन, जो कि अक्टूबर में लास्ट मंथ में ही एक्वायर किया गया है, राइट, जिसमें स्लीपवेल इनका ब्रांड है। तो 12-13% इनके पास ओवरऑल मार्केट शेयर है प्रायर टू कर लॉन, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा से कंपनी ने एक तरीके से इनऑर्गेनिक वे में ही खुद को ग्रो किया है, कभी भी ऑर्गेनिक वे में कंपनी का कभी देखने को नहीं मिला है। सो 2005 में इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी, जॉयस फोम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, जो कि पॉलीयुरेथेन फोम मैन्युफैक्चर करती है, वहां पे लार्जेस्ट प्लेयर, जिससे कंपनी अराउंड 14% के आसपास बिजनेस वहां से जनरेट करता है। फिर 2019 में शीला फॉर्म ने एक और कंपनी एक्वायर किया, जो कि स्पेन बेस्ड कंपनी थी, एंटर प्लासिप करके है, जहाँ पे उनका VPF टेक्नोलॉजी, जहाँ पे फ्लेक्सिबल PU फॉर्म मैन्युफैक्चर करते थे, जहाँ पे आपका मेनली वो सप्लाई होता है आपका फर्नीचर्स और आपका मैट्रेसेस के अंदर में, स्पेन के अंदर अगर हम बात करें। सो उसके वजह से कंपनी ने जब ये दोनों एक्विजिशन किया और वो चीज कंपनी के फेवर पे रहा, और वो आज कंपनी को बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्न अराउंड क्या दिख रहा है, अगेन द कंपनी इज कम अप विद एक्विजिशन जो 2015
23 में अक्टूबर के टाइम में कंप्लीट हो चुका है, जहां पे कर्लॉन एंटरप्राइज में 95% स्टेक परचेज कर दिया है, एंड सेकेंड 35% आपका फर्लेनको में। इससे कंपनी का जो इससे कंपनी का फायदा जो है मतलब कि ईस्टर्न और साउथ इंडिया में इनको मार्केट मिल जाए, क्योंकि ये जो स्लीप वेल था एक तरह से नॉर्थ रीजन में ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अब कर्लॉन मिल गया तो साउथ और ईस्ट में इनका अगेन अब मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा, कॉम्पिटिटर उसको एक्वायर कर लिया है, राइट। सो और दूसरा आपका फर्लेनको जो कि ऑनलाइन रेंटिंग जो भी आपके फर्नीचर रहते उस बिजनेस के अंदर में, वहां से भी इस कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे फिलहाल जो नंबर्स की अगर मैं बात करूं, जहां पे जो कर्लॉन 2023 में 850 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने जनरेट किया था, एंड एक्सपेक्ट करें कि वो 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे 2025 के एंड ऑफ द ईयर में, एंड 100 करोड़ उसमें से एबिटा रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पे फर्लेनको की अगर हम बात करें जो कि अराउंड 156 करोड़ का अभी के टाइम पे टॉप लाइन देखने को मिला है, और 2025 तक ये 300 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। तो शीला फॉर्म अभी के टाइम पे 2025 में कम से कम उनका गाइडेंस है 3200 से लेकर 3300 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। तो ओवरऑल 2025 में 4600 करोड़ का इनका गाइडलाइंस है कि 4600 करोड़ तक तो अचीव कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दो एक्विजिशंस, राइट। तो इसके वजह से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है कि अगर अर्निंग्स ग्रो होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी का शेयर प्राइस रिएक्ट करेगा, राइट। वो हमको देखना है। उसके लिए जो इन्होंने एक्विजिशन किया फर्लेनको, उसके लिए अराउंड उसके ऊपर डेट था जहां पे उन्होंने 200 करोड़ ऑलरेडी पे ऑफ कर दिए, जिससे ओवरऑल जो फर्लेनको का जो डेट कॉस्ट है वो 60% से रिड्यूस हो जाए, और रिमेनिंग डेट वो भी आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर में ये पे करने वाले हैं। तो ब्रेक इवन में इनका मानना है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अचीव कर सकते हैं फर्लेनको का। तो उसकी वजह से द मार्केट शेयर अभी के टाइम पे अगर हम देखें एक्विजिशन के बाद, कंपनी का मार्केट शेयर मैट्रेस ये सब के अंदर में 30-32% के आसपास पहुंच चुका है। और इन्होंने अपना जो 2021 में इन्वेस्टमेंट किया था जबलपुर में 200 करोड़ के आसपास का कैपेक्स, वो भी आई थिंक कमर्शियलाइज होने आ चुका है, एंड दिसंबर ऑनवर्ड वहां से भी वो बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। मतलब जो उन्होंने जबलपुर में लगाया था, तो मैट्रेस फॉर एवरी इंडियन ये उनका प्लान था जो कि उन्होंने जबलपुर में सेटअप किया। आज दिसंबर में आई थिंक ये मंथ में या आने वाले 1-2 महीने के अंदर में वहां से भी आउटपुट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से थीसिस मिल रहा है कि कंपनी ने एक्विजिशन किया है उससे टॉप लाइन ग्रो हो सकता है, कंपनी का मार्केट शेयर ग्रो हो चुका है, कंपनी साउथ और ईस्ट में काफी अच्छा खासा कमांड करने वाली है, कंपनी का एक न्यू प्लान जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया था वो कमर्शलाइज होने आ चुका है। सो दीज आर द ट्रिगर पॉइंट इन द कंपनी सीम्स टू बी गोइंग टू एड कंपनी, या कहूँ तो अर्निंग में बूस्ट दिखेगा। अब इसमें कुछ एंटी थीसिस पॉइंटर में बताऊंगा मैं आपको, एंड उसके बाद वैल्यूएशंस भी हम देखेंगे। सो एंटी थीसिस सबसे पहला ये है कि कंपनी का जो ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जहां पे आपका पॉलीओल और टोल्यून डाइसोसाइनाइट जो कि 60-65% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट का, तो ये एक फाइनली एक तरह से बाय प्रोडक्ट है आपका क्रूड ऑयल जिसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ जो कॉस्टेस है जब वो लिया था, जो प्राइसेस काफी वोलाटाइल रहते हैं तो इसके वजह से कंपनी को फर्क पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये कूल ऑफ हो रहा है। मतलब अब के टाइम पे कंपनी अगर बाय करेगी तो 192 रुपीज पर केजी बाय करेगी, उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। सो मीडियट टर्म में ये बेहतर हो सकता है, लेकिन प्राइसेस अगर फिर से फ्लक्चुएट होकर के ऊपर चले गए तो कंपनी को बेनिफिट होगा या उससे नीचे जाएगा, तो ये आपको हमेशा नोटिस करना पड़ेगा कि कंपनी के दो मेन इनपुट कॉस्ट है मटेरियल के अंदर में। सेकंड में आपको हाईलाइट करूंगा कि कंपनी इज नॉट एबल टू पास द प्राइजेस टू द एंड कस्टमर्स। अभी के टाइम पे उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने जो मैट्रेस के प्राइजेस थे वो इंक्रीज कर दिए, जिसके वजह से उनका सेलिंग भी नहीं हुआ उतने टाइम में, भले उनका इन्वेंट्री लॉस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपको देखना है, ये डिस्क्रिशनरी है, दिवाली सीजन में या फेस्टिव सीजन के अंदर में बेहतर हो सकता है या फिर पर कैपिटा इनकम ग्रो होता है, राइट। वो टोटली डिपेंड करता है, ऐसा नहीं हो कि अचानक से लोग आकर के बाय करना चालू कर देंगे। रिसेंटली जो कंपनी ने एक्विजिशन किया है वो ऑलरेडी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है जो कर्लॉन एंटरप्राइजेस है, राइट। 2022 में तो 6 करोड़ का ही प्रॉफिट था, राइट। 2023 का आई डोंट नो अभी एग्जैक्ट, वो हमको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि उसमें लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है कि कुछ फायदा भी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी के टाइम में इनका वर्किंग कैपिटल काफी स्ट्रेच हो सकता है, लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिल सकता है, ऑल्दो इनके पास लिक्विड काफी बेहतर है फिलहाल के लिए, लेकिन इसके ऊपर आपको नजर रखना है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 10% से अगर नीचे आ जाए, जो ऑन एन एवरेज 12% का 5 साल का, तो ये चीज आपको नोटिस करना है।
तो ये कुछ ये एंटी थीसिस पॉइंटर थे। अब मैं वैल्यूएशंस के ऊपर बात करूंगा और टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करूंगा आपसे। तो ले चलता हूं मैं आपको स्क्रीन की तरफ। सो सीला फॉर्म का अगर हम यहाँ देखें, मार्केट कैप 12,654 करोड़ के आसपास का है, 63 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है। ये चीज आपको नोटिस करना है, इट्स अ वेरी हाई पीई। ये चीज याद रखो, कंपनी आरओसी और आरओई ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास है। ठीक है, कंपनी का पेग रेशियो देख करके साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी में अर्निंग में कोई अभी फिलहाल तेजी नहीं नजर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको नजर रखना है। आ जाते हैं अब हम, एक चीज हमको इंटरेस्टिंग दिखता है कंपनी का चार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज ओवर हो गया है और यहाँ पे वॉल्यूम एक्युमुलेशन दिख रहा है कि लोग बाइंग कर रहे हैं, इसके वजह से एक टेक्निकल सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल हमको जरूर देखना है। उसके बाद आ जाते हैं कंपनी के नंबर्स पे यहाँ पे फिलहाल के लिए। सो अभी के टाइम पे यहाँ पे अगर हम देखें कि कंपनी 2022 और 23 में कोई ग्रोथ नहीं रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ है कंपनी का। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे डाउन था, फिर ये इंक्रीज होकर 11-12% के आसपास आया। ठीक है, सो यहाँ पे अब कंपनी का फिर से मार्जिन आई थिंक अराउंड 10-12% के आसपास होना चाहिए। अगर इससे नीचे जाता तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमेशा अदर इनकम ज्यादा हुआ करता है। तो अदर इनकम मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब कंपनी का पी मल्टीपल कैलकुलेट करूंगा। इसका मतलब अभी के टाइम पे जो ये पी मुझे दिख रहा है 63 का, दैट इज नॉट द राइट, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर में अदर इनकम भी आ गया, तो उसको कोर इनकम से कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो हटा कर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखे तो 10% दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर अदर इनकम हटा दूँ तो मेरे ख्याल से 7 से 8% पे प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, या मेरे ख्याल से 7% के आसपास आ जाएगा। ये चीज नोटिस करूंगा मैं। उसके बाद कंपनी के जो रिजर्व, आपका जो यहाँ पे जो बोरिंग्स है, वो भी थोड़े से एक्सटेंडेड नजर आ रहे हैं। अब कंपनी का CWIP यहाँ पे ग्रो होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 900 करोड़ के फिक्स एसेट पे यहाँ पे एवरेज देखें, यहाँ 3 साल 4 साल का, उसके ऊपर कंपनी 900 करोड़ पे ऑलमोस्ट 2,800 करोड़ का बिजनेस कर रही थी। अब ये कंपनी यहाँ पे 965 करोड़ प्लस इसमें 333 करोड़ और ऐड हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट मैं पकड़ू तो 1,300 करोड़ के आसपास का फिक्स एसेट पहुंचेगा। तो उसके ऊपर कंपनी कितना बिजनेस कर पाएगी, तो यहाँ से लगता है कि कंपनी के अंदर बिजनेस में तेजी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा आइडिया मिला। एंड वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे जो एक्विजिशन किया उसके लिए कंपनी ने आई थिंक 2,000 करोड़ का, आई थिंक 2,000 करोड़ में एक्वायर किया कर लोन, जो कि काफी हाई है, जहाँ पे गुडविल का वैल्यू ज्यादा दिया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको नोटिस करना है। नाउ कमिंग बैक टू द वैल्यूएशन, अब मैं वैल्यूएशन पे ले जाऊंगा कि जैसे जैसे गाइडेंस दिया था वो हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर कंपनी 12% से, यहाँ पे पहले हम रेवेन्यू ले लेते हैं और मैं आपको एक तरीके से और बताऊंगा कि कितना कितना इसका आना चाहिए। सो लेट्स सी, कंपनी का यहाँ से मैं ले लेता हूँ 3 साल का, लास्ट 3 ईयर्स का रेवेन्यू ले लेते हैं। यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे पहले डाल देता हूँ सिर्फ। ठीक है, पूरा शीट ऑटोमेटिक है। यहाँ पे ईवी एबिटा मल्टीपल लेना, ये लेना है, ये इसका मैंने ऑलरेडी वहां से कैलकुलेट करके रखा है। रेवेन्यू ग्रोथ रेट पकड़ रहा हूँ कि कंपनी 12% से ग्रो करेगी। ठीक है, और बेयर केस ले रहा हूँ मैं। उसके बाद इबिट्टा मार्जिन कंपनी 10% का वर्स्ट केस, ये बेयर केस है। ठीक है, उसके हिसाब से, और कंपनी का जो करंट मार्केट कैप कितना है, 12,654। ठीक है, तो 54 यहाँ डाल देते हैं। तो हमको मालूम पड़ता है अभी के टाइम पे अगर इस बेस पे रहा कंपनी, तो बेयर केस में अभी यहाँ से और 20% डाउन, 36% डाउन हो सकता है। तो करंटली बेयर केस में ओवर प्राइस दिख रहा है। चलो बेस केस लेते हैं, जहां पे अर्निंग के अंदर में, जहां मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हम 4,500 करोड़ का बिजनेस करेंगे, 4,600 करोड़ का बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 15% की तेजी, ऑपरेटिंग मार्जिन 12% का, और एबिट्टा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से कितना आ रहा है कि मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि फिर भी मैंने बेस केस में पकड़ा है कि 4,243। आ जाओ इसको 14% ले लेते हैं, 14% का ग्रोथ, तो 4,200 के आसपास, राइट। तो जहां पे कभी अभी भी कंपनी बेस केस में भी दिखा रहा है कि 7 से 8% ओवर प्राइस है इसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे बुल केस में लेते हैं, जहां पे मैनेजमेंट ने कंप्लीटली 16% का गाइडेंस दे दिया है, मतलब उसके हिसाब से पकड़े हैं, मतलब 4,600 के आसपास 16% का गाइडेंस है। ऑपरेटिंग मार्जिन में पकड़ रहा है यहाँ पे 13% एंड ये 32, उसके हिसाब से इस कंपनी मुझे ज्यादा से ज्यादा अपसाइड दिखता है 3 ईयर्स के अंदर में 47% का, अगर जो मैनेजमेंट ने कहा है और इस तरह से डिलीवर करे तो। अब एक चीज और नोटिस करना है कि कंपनी जो रेवेन्यू दिया, लेट्स सी रेवेन्यू ले लेते हैं, कंपनी ने दिया कितना 4,600 का। ठीक
4,600 का दिया है, उस पे कंपनी का ऑपर इबिट्टा कितना है? इबिट्टा आपका मैं यहाँ पे लेता हूँ 10% का, ठीक है, या मतलब 12% का ले लेते, ठीक है, 12-11% का ले लेते हैं, 11%। तो यहां से मैं ये ले लेता हूँ। तो कंपनी इबिट्टा रिपोर्ट क्या करेगी FY26 में, ठीक है, FY26 में कितना रिपोर्ट करेगी? 506 करोड़ का। तो पैट कितना आ जाएगा? पैट हमेशा से कितना रहा आपका? 10% रहा है, 10% मतलब अदर इनकम का पकड़ के। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इक्वल टू सॉरी 0.1 इनटू ये। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है पैट आपका? 460 करोड़ का पैट कंपनी कर सकती है, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, कोर इनकम को हटाने वाला हूँ सबसे पहले, जो सॉरी अदर इनकम को और डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है से वो मैं हटाता हूँ यहाँ से, अदर इनकम को हटाता हूँ। जो मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे 86 करोड़ का अदर इनकम दिख रहा था, तो ओवर द पीरियड का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हायर है, 100 करोड़ का पकड़ता हूँ। सो अदर इनकम मैं निकाल देता हूँ, अदर इनकम हम पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो 90 करोड़ ही पकड़ते हैं, एवरेज निकाले तो उससे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आता है, मतलब कोर इनकम से, नेट पैट कोर, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है आपका ये माइनस ये, सो कितना दिखा रहा है, 370 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, ठीक है, 370 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। आ जाओ करंट मार्केट कैप कितना है आपका यहाँ पे, 12,654 करोड़, ठीक है, आ जाते हैं। तो यहां से मैं अगर पी निकालू, पी कितने पे आएगा, सो यहां पे मैं कर देता हूं मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट, कितना आ गया पी? 34। सो ये कंपनी को फिलहाल मैं अगर देखू 34 पी मल्टीपल पे ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अदर इनकम को भी कंसिडर करता हूँ, यहां से ले लेते हैं कि अदर इनकम को हटा दिया हमने, अदर इनकम को इंक्लूड कर दिया, उसके हिसाब से पैट ले लेते हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट पी रेशियो कितना आना चाहिए अगर अदर इनकम को हम हटा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी का पी आ जाता है 27 के आसपास, मतलब अदर इनकम को इंक्लूड करके पी 27 के आसपास आ रहा है। सो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि कंपनी करंटली इज ओवर प्राइस्ड, एंड सेकेंड चीज ओवर प्राइस्ड भी है, सेकेंड मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, क्योंकि कंपनी ने जो एक्विजिशन किया शायद वो टर्न अराउंड में काफी ज्यादा प्ले आउट बेहतर कर सके, ठीक है, क्योंकि प्राइस फॉर लोग जो पे करते हैं परसेप्शन को लेकर के पे करते हैं कि एक्विजिशन कंपनी के ओवरऑल गुडविल्स को, ओवरऑल बिजनेस को ग्रो करेगा, ठीक है। बट आई स्टिल बिलीव कंपनी 30-35 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करेगा 2026 में। तो मैक्सिमम पकड़ता हूँ कि 27 से लेकर के 34 के पी के आसपास ये कंपनी आपको मिलेगा, तब वो कंपनी फेयर वैल्यूएशन के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसका टेक्निकल चार्ट अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो एक चीज नजर आया, जैसे मैंने आपको कहा कि देर इज समथिंग इज हैपनिंग, कि कोई तो इसको एक्वायर कर रहा है। यहाँ जो बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे लिया गया, कोई तो बाय कर रहा है, जैसे ही नीचे आता है लोग इसको बाय कर रहे हैं। सो देर इज अ टेक्निकल सेटअप इज फॉर्मिंग एंड द स्टॉक इज कमिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको सोचना पड़ेगा कि फंडामेंटली फिलहाल ये ओवर प्राइस दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली सेटअप दिख रहा है, वॉल्यूम के अंदर बाइंग हो रहा है, तो लोग इसके परसेप्शन को देख करके, जो इसका आउटलुक है उसको देख करके लोग इसके अंदर में बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज एनालिसिस ऑफ शीला फॉर्म, एंड अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।